हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में रिसिप्ट बाउचर में कंपनी बनाने के बाद रिसिप्ट बाउचर में एंट्री करना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम एंट्री करें तो क्या दिक्कत है, क्यों हम रिसिप्ट बाउचर में जाएं, क्यों कंपनी में पैसा रिसीव कराएं, तो इसी की बात आज हम करेंगे टैली ईआरपी 9 में। और कई कभी कभी तो ऐसे भी कॉमेंट्स आते हैं कि सर आप डेबिट क्रेडिट तो सिखा ही नहीं रहे जो कि टैली में सिखाया जाता है, आप परचेज वाउचर में जब एंट्री कर रहे हैं तो उस समय डेबिट क्रेडिट तो करते ही नहीं। तो देखिए, परचेज वाउचर में जो एंट्री होती है वो परचेज करने की होती है, हम आइटम परचेज करते हैं तो वहां तो डेबिट क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं और हम यहां से नई कंपनी बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से नई कंपनी बना लेता हूं मैं, क्रिएट पर जाकर के सी प्रेस करता हूं यहां से और एंटर प्रेस करूंगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा। और यहां पर राम एंड सोहन नाम से एक कंपनी बना रहा हूं, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहां पर एड्रेस आ जाएगा, ये एड्रेस हमने डाल दिया। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहां पर कंट्री और यहां पर स्टेट डालना कंपलसरी है तो स्टेट डाल दिया हमने। पिन कोड डाल देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 से शुरू हो रहा है और काम कब से शुरू हो रहा है, तो जब से भी काम शुरू हो रहा हो आप यहां पर डाल दीजिए। मैं 1/4/2020 ही रखता हूं, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराता हूं, ठीक है। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारी कंपनी बनकर के तैयार हो जाएगी, लेकिन हमने इस कंपनी में कोई एंट्री तो की नहीं है, इसी वजह से यहां नो वाउचर सेंटर्ड दिखा रहा है। अब पहला काम क्या करना है, हम पहला काम करते हैं रिसिप्ट वाउचर में जाने की। लेकिन अब जैसा कि आप लोग सवाल कर रहे हैं बार बार, तो डायरेक्टली हम चलते हैं परचेज वाउचर में। तो वी प्रेस करता हूं अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए और यहां से हम डायरेक्टली चलते हैं परचेज वाउचर में। कुछ भी परचेज करते हैं क्योंकि टैली बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये हमारे घर के लिए नहीं है कि हम 5 किलो आलू लेके आ गए तो उसका हिसाब किताब उसमें रख लिया और 2 किलो दाल लेके आ गए तो उसका हिसाब किताब रख लिया। ये बिजनेस के लिए है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा मेरी। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन ही किया गया है बिजनेस के लिए। 17,000 से 18,000 रुपए आपको देने होते हैं एक साल के लिए अगर टैली का लाइसेंस वर्जन आपको चाहिए, तो ये डिफरेंस होता है। अब यहां से डायरेक्टली परचेज वाउचर में जाने के लिए अप नाइन प्रेस कर लीजिए, आप यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर आने के बाद यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी हो वो डाल लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, डेट डाल लीजिए वो जिस डेट पे आपको करनी है खरीदारी, ठीक है। यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैं बनाता हूं, तो मान लीजिए रितेश ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, सी लिख देता हूं आगे ताकि पहचान होता रहे। एंटर प्रेस करता हूं, इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल दे रहा हूं, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल दिया, मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रखा है हमने, एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लेता हूं एक्सेप्ट। तो ये सप्लायर है, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां रितेश आ गया। अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, तो यहां बना लिया परचेज अकाउंट, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट, पी प्रेस किया, यहां से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहां पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि नेम ऑफ आइटम आ रहा है, यहां आपको डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, यहां आइटम की लिस्ट बनानी है, ठीक है। अगर आप टीडीएस वगैरह लगाना चाहते हैं इसमें तो इसको अल्ट आई प्रेस कीजिएगा तो ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा और यहां पर आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। आइटम वाला हिसाब किताब यहां से हट जाएगा, ठीक है, ये वाउचर के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको आइटम इनवॉइस में जाना है तो वापिस आप प्रेस कर दीजिए वही बटन, ठीक है, और आप आ जाएंगे यहां पर, फिर आप अल्ट आई प्रेस करेंगे, फिर आप चले जाएंगे इनवॉइस मोड में और फिर ये याद रखिएगा। एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे आ जाता हूं, एंटर प्रेस करते हुए यहां पे आ गए, डायरेक्टली हम परचेस करते हैं सीधा, हमने कोई पैसा रिसीव नहीं कराया कंपनी में। कीबोर्ड कर लेता हूं परचेस, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे यूनिट बना लेते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा तो यूनिट बना पाएंगे आप। आइटम कर देता हूं आईटीएम, इसका सिंबल दे देता हूं, आइटम लिख देता हूं यहां पे, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एक्सेप्ट कराता हूं इसको। एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कीबोर्ड की 600 क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, एक कीबोर्ड की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, जो खरीद रेट वो 60 रुपए चुकानी पड़ रही है, तो इसके हिसाब से 36,000 रुपए की हमने खरीदारी कर ली, ठीक है। इसमें मैं सीजीएसटी एसजीएसटी इनेबल नहीं कर रहा हूं, अभी इनेबल करके भी दिखाता हूं आपको, पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं। न्यू रेफरेंस रहेगा यहां पे, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये एंट्री हमने एक्सेप्ट करा लिया, लेकिन क्या हमारे पास बैलेंस है
चलिए दूसरी एंट्री बनाते हैं। मान लीजिए किसी और डेट पर या किसी और मंथ में, या मान लीजिए इसी मंथ में हमको और भी चीजें परचेस करनी है, तो यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ गया, एंटरप्रेस किया। यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस दिखा रहा है 36,000 रुपए। ये कौन सा बैलेंस है जो आपको चुकाना है, या आपने चुकाया नहीं है, या आपको चुकाना है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि परचेज का लेजर आ गया, फिर यहां पे दूसरा आइटम बनाता हूं मॉनिटर, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं और यहां लिखता हूं मॉनिटर, लिख दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहां आइटम ही कर देता हूं और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। यहां पर 50 मॉनिटर्स का ऑर्डर दिया हमने, और एक मॉनिटर जो है 7,000 का हमारी खरीद रेट पड़ रही है, एंटरप्रेस किया और इसको भी करा लेते हैं न्यू रेफरेंस रख के एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट करा लिया, ये दोनों ही चीजें हमने एक्सेप्ट करा ली। अब अगर तीसरा यहाँ पे कुछ डालना है हमें, तीसरी चीज परचेज करनी है सेम डेट पे, तो ये मैं तीसरी चीज परचेज कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए 386,000 रुपए बैलेंस शो कर रहा है, करंट बैलेंस। ये आपका बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ये जो आपके ऊपर उधार चढ़ गया है ये उधार है। अगर इसकी चुकौती आपको करनी है, ये उधार आपको चुकाना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। तो वी प्रेस कीजिए और आ जाइए कहाँ, पेमेंट वाउचर में, F5 प्रेस करके आ गए पेमेंट वाउचर में। यहाँ डेबिट आ रहा है, डेबिट कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रितेश क्रेडिटर, ये जो दिख रहा है ना रितेश क्रेडिटर, ये डेबिट हो जाएंगे। बैलेंस अपने आप शो हो रहा है यहाँ पे, आपको खुद से बैलेंस डालने की जरूरत नहीं। 386,000 यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, 386,000, ठीक है। तो क्या आपके पास पैसे हैं तभी आप चुका पाओगे, अदरवाइज आप चुका नहीं पाओगे पैसे। तो यहाँ पे मैं 386,000 डाल के देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 386,000 हमने डाला, एंटरप्रेस किया, अगेंस्ट रेफरेंस पहला बिल है ये, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब ये दूसरा बिल, इन दोनों बिल की चुकौती हम कर रहे हैं, 36,000 की एक और 350,000 की एक, एंटरप्रेस किया। अब यहाँ क्रेडिट किसे करेंगे, कैश को करेंगे, कैश तो है ही नहीं हमारे पास, तुरंत ये जो है रेड में शो कर देगा, यानी ये सिंबल है कि आपका जो बैलेंस है वो किसमें है, हमारा जो बैलेंस है, आपका जो बैलेंस है वो है आपका माइनस में, यानी आपके पास पैसा है ही नहीं और पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अब यहां से F12 प्रेस कर लीजिए, चलिए चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव अगर कैश है तो वो ऑप्शन चालू है या नहीं। तो यहां पे देखिए वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, ये ऑप्शन हमने चालू रखा है। चलिए आइए अब इसका कमाल दिखाता हूं, एंटरप्रेस करें, अब यहां पे तुरंत आ जाएगा नेगेटिव कैश। ये फायदा है अगर नेगेटिव कैश वाला ऑप्शन आप चालू कर लेते हैं तो, ठीक है, यहां से आपको नेगेटिव कैश शो हो जाएगा। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रिसिप्ट वाउचर में जाना क्यों जरूरी है। चलिए चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में, यहां से बाहर आ जाते हैं, पहले हम रिसिप्ट वाउचर में चलेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपको प्रेस करना है F6 या यहां पर क्लिक कर दीजिए। क्रेडिट किसे करना है, जो भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो होता है कैपिटल, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट किया हमने कैपिटल अकाउंट, ये कर लिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर सी प्रेस करेंगे, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में, आपको सेलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल, कितनी पूंजी आप निवेश कर रहे हो अपने कंपनी में, ठीक है, 70,00,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे कैश कर देता हूं, कैश के रूप में हम निवेश करेंगे, एंटरप्रेस किया, ये एक्सेप्ट हो गया। अब चलिए चलते हैं उसी एंट्री में, ठीक है, दो बार डी प्रेस करता हूं, यही वाली हमारी वो एंट्री है, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसी का पेमेंट हमें करना था ना, ये पहली एंट्री थी हमारी और दूसरी एंट्री यहां पे हमने बनाई है, इसी का हमें पेमेंट करना था ना, ठीक है, इसका पेमेंट करते हैं। इससे भी पहले हम क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं CGST SGST, यानी GST को इनेबल कर लेते हैं हम। GST को इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना होगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन में। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले F11 की प्रेस करना है कीबोर्ड से और फिर आ जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन में, यहां पर प्रेस कर दीजिए Y, ठीक है, फिर यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसको देखिए, यहाँ पर आपको वाई प्रेस करना है, दोनों में वाई प्रेस करने के बाद एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पे GSTIN नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका GSTIN नंबर हो, आपके पैन नंबर से मिलता जुलता एक नंबर होता है GSTIN नंबर, इसको टैली वेरीफाई करेगा, एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाइए। ईवे बिल अगर आप यस रखना चाहते हैं तो यस रखिए, फिलहाल मैं नो रखता हूँ, एंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पर सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स, इसको वाई प्रेस करके एंटर करिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आइटम्स, ठीक है। HSN कोड का भी कॉलम एक्टिवेट कर रखा है, फिलहाल HSN कोड छोड़ता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रखना है हमेशा टैक्सेबल, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 28% का टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, लगा दिया 14% के हिसाब से सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ये डिवाइड हो जाएगा। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया
और यहां पर एंटर प्रेस किया, ठीक है, यहां पर कंट्रोल ए प्रेस करके एक ही बार में हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब चलते हैं अपनी पुरानी एंट्री को देखते हैं, यहां पर आ गए अकाउंटिंग वाउचर, यहां पे दो बार डी प्रेस कीजिए और यहां से पहली एंट्री को देख लेते हैं। ये एंटर प्रेस किया हमने, यही हमारी वो पहली एंट्री थी, कीबोर्ड हमने परचेस किया था, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं जीएसटी लगा रहा हूं, ठीक है, जीएसटी लगाने के लिए ये जरूरी है कि जीएसटी का लेजर भी क्रिएटेड हो, लेकिन हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया, और राउंडिंग मेथड को हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हो गया, जीएसटी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, आप देख सकते हैं, एंटर प्रेस किया, ठीक है। और यहां से फिर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, अगर सेम स्टेट का मामला है, आप अगर यूपी के हैं और यूपी में ही माल बेच रहे हैं, खरीद भी यूपी से रहे हैं, बेच भी यूपी में रहे हैं, उस कंडीशन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। और अगर अदर स्टेट की बात है, अगर आप क्रेडिटर पार्टी हैं और माल दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, सपोज कीजिए आप यूपी के क्रेडिटर पार्टी हैं और माल बेच रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, तो उस कंडीशन में आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अदरवाइज यूनियन टेरिटरी की बात हो, एक्सेप्ट दिल्ली वगैरह के छोड़ करके, जैसे लेह लद्दाख की बात हो, या फिर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की अगर बात आती है तो उस कंडीशन में हम यूटी जीएसटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एसजीएसटी लगा देता हूं, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पे जीएसटी रहेगा, ठीक है, और इस बार आ जाएगा स्टेट टैक्स, ठीक है। राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग ही रखता हूं मैं फिलहाल, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो आप देखेंगे कि दोनों में ही बराबर बराबर जीएसटी लग चुका है, एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, यहां न्यू रेफरेंस ही रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आप चाहें तो नरेशन डाल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं छोड़ता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सेव हो गई एंट्री। अब दूसरी एंट्री को देख लिया जाए, यहां पर एंटर प्रेस करते हुए यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए, अब यहां आते हैं और ये यहां पर हमें जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो हमने सीजीएसटी का लेजर पहले ही बना रखा है, तो सीजीएसटी अप्लाई हो गया उसी रेट पर, ठीक है। एसजीएसटी का लेजर लगाना है, लगा दिया, एंटर प्रेस किया, एंटरप्रेस किया, या न्यू रेफरेंस रखेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, और इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। ये दोनों ही काम हमने कर लिए हैं। अब हमें चलना है पेमेंट बाउचर में। पेमेंट बाउचर में जाने के लिए पहले वी प्रेस कीजिए, फिर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कीजिए, तो आ जाएंगे पेमेंट बाउचर में। अब हमें करना क्या है, पेमेंट बाउचर में आने के बाद जो रितेश क्रेडिटर पार्टी है हमारी, उसको पेमेंट, उसका जो पेमेंट बकाया है, ड्यू है, वो पेमेंट ये करेगी। यानी कुल मिलाकर के कितना पेमेंट ड्यू है, 4,94,080 रुपए, यही पेमेंट जो है ड्यू है, ठीक है। रितेश क्रेडिटर पे जो ड्यू बैलेंस दिखा रहा है वो इतना दिखा रहा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 4 लाख ये हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे देखिए अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, एंटर प्रेस करेंगे, ये पहला बिल था, पूरा पैसा हम चुका रहे हैं, ये दूसरा बिल था, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां क्रेडिट आ रहा है, किस चीज को क्रेडिट करेंगे, कैश में पैसे दे रहे हैं हम, कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब चलिए दोबारा से पेमेंट करते हैं, देखते हैं कि इनका कुछ बैलेंस बकाया दिखा रहा है नहीं। अब देखिए रितेश क्रेडिटर 0 बैलेंस शो कर रहा है, तो बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, कोई भी बैलेंस नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और यहां से बाहर आते हैं और इस तरह से हम एंट्रीज बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं रिसिप्ट वाउचर में जाकर के क्यों हमें एंट्री करनी है, ये बात तो जरूर क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो, सवाल हो, तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।